हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आज बना रहे हैं चिली पटैटो, जो मार्केट जैसे बिल्कुल क्रिस्पी एंड टेस्टी होंगे। तो चलिए आइए इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिए हैं ये आलू। ये करीबन 6 से 7 बड़े आलू हैं। इनको मैंने फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में कट कर लिया था एंड करीबन 15 मिनट के लिए ठंडे पानी में भिगो के रख दिया था। अब मैं ले रही हूँ कढ़ाई, उसमें मैंने ये पानी ले लिया है। पानी को अच्छे से हम उबाल लेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे आलू, जो हमने फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में काट के रखे थे, वो डालेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, थोड़ा सा ही नमक डाला है मैंने। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे एंड करीबन 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको उबाल लेंगे। देखिए, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं एंड हमारे आलू अच्छे से उबल चुके हैं। अब सारे आलू को हम निकाल लेंगे। अब एक बोल ले रही हूँ मैं, उसमें मैं डाल रही हूँ ये 3/4 कप मैदा। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 6 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। अब मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक। अब मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी। इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं। मैंने करीबन 3/4 कप पानी डाला है। आप कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। देखिए, एक स्मूथ पेस्ट रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलू, जो हमने उबाले थे वो ऐड कर रही हूँ। धीरे धीरे ऐड करूँगी इसमें, एक साथ सारे नहीं डालूँगी। थोड़े से ऐड करके मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि अच्छे से कोट हो जाए मैदा और कॉर्नफ्लोर सारे आलुओं पे। थोड़ा थोड़ा करके ही आलू डालें आप एंड ध्यान रखिएगा, सॉफ्ट हाथों से ही मिलाना है इसको, नहीं तो आपके आलू ब्रेक हो सकते हैं। देखिए, आलू अच्छे से कोट हो चुके हैं। मैंने अच्छे से सारे आलूओं पे मैदा और कॉर्नफ्लोर का जो हमने पेस्ट बनाया था वो कोट कर दिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे, तो उसके लिए मैंने ले लिया है ऑयल। उसको अच्छे से मैंने गरम कर लिया है। देखिए कैसे एक एक करके मैं सारे पीसेस डाल रही हूँ। ध्यान रखिएगा, आपको एक एक करके ही डालने हैं। अगर आप सारे एक साथ डालेंगे तो ये सारे चिपक सकते हैं एक साथ आलू, तो सिंगल सिंगल करके ही डालना है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत है, बट इसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इसमें एक एक करके ही पीसेस डालें आप। इनको हम हाई फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे एंड तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़े से क्रिस्पी ना हो जाए। इस टाइम पे सिर्फ हमें इसका हल्का सा येलो कलर ही चाहिए, ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है इसको, क्योंकि हम इसको फिर दोबारा फ्राई करेंगे। तो अभी फर्स्ट टाइम में हम इसको लाइट कलर में ही रखेंगे। देखिए, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं एंड ये अच्छे से क्रिस्पी भी हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे एंड फिर सेकेंड टाइम इसको फिर फ्राई करेंगे हम। देखिए, मैंने फिर से तेल गरम कर लिया है अच्छे से एंड फिर से इसको सेकेंड टाइम मैं फ्राई कर रही हूँ। इस टाइम पे हम इनको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे एंड फिर से इनको हाई फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे हम। देखिए, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं एंड ये बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं एंड बहुत अच्छे क्रिस्पी भी हो गए हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे। एक कढ़ाई ले रही हूँ मैं, उसमें मैं डाल रही हूँ ये 3 टेबल स्पून ऑयल एंड अब मैं डाल रही हूँ ये चॉप्ड गार्लिक, ये लहसुन डाल रही हूँ मैं। अब इसको अच्छे से हम भून लेंगे। इस टाइम पर हम अपनी फ्लेम हाई ही रखेंगे। अब मैं डाल रही हूँ ये हरी मिर्च, अच्छे से इसको भी भून लेंगे हम। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ प्याज, जो मैंने लंबे लंबे काट लिए थे।
अच्छे से इनको भी भुनेंगे हम, लेकिन इसको हम ज़्यादा नहीं भुनेंगे, हल्का सॉफ्ट होने तक ही भुनेंगे। सिर्फ लाइट पिंक हल्के से हो जाएंगे तब तक इनको भुनना है हमें। देखिए ये अच्छे से हो चुके हैं। अब इसमें मैं ऐड करी हूँ शिमला मिर्च जो मैंने लंबी लंबी काट ली थी, इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। ध्यान रखिएगा सारी कुकिंग आपको हाई फ्लेम पे ही करनी है। अच्छे से इसको हम पका लेंगे। देखिए ये अच्छे से हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करी हूँ नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालें इसमें। अब मैं इसमें ऐड करी हूँ काली मिर्च पाउडर। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। नमक डालते समय ध्यान रखिएगा जो आगे हम सॉसेस डालेंगे उसमें भी नमक होता है, एंड आपने पोटैटोज़ में भी नमक डाला है तो नमक अकॉर्डिंगली डालें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सॉसेस। सबसे पहले मैंने डाला है सोया सॉस, ये 2 टेबल स्पून सोया सॉस है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये केचप, टमाटो केचप है ये भी 2 टेबल स्पून केचप डाल रही हूँ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये रेड चिली सॉस, इसको भी मैं 2 टेबल स्पून ही डाल रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अच्छे से इनको हम भून लेंगे ताकि सॉसेस का अच्छे से कच्चापन निकल जाए। इसको तब तक पकाएंगे हम। अब इसमें मैं ऐड करी हूँ पानी, पानी को भी अच्छे से हम उबाल लेंगे ताकि अच्छे से ग्रेवी रेडी हो जाए। इसमें हमें थिक ग्रेवी बनानी है तो पानी आप अकॉर्डिंगली डालिएगा। मैंने करीबन आधा कप पानी डाला है। देखिए अच्छे से ये ग्रेवी हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर और पानी का जो पेस्ट मैंने रेडी किया था, इसको डाल रही हूँ। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। एंड इस टाइम पे देखिए हमारी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल शाइनी हो चुकी है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मेरे को थोड़ा सा पानी कम लग रहा था तो मैंने पानी थोड़ा सा और ऐड किया है। देखिए इस तरह से ग्रेवी हमारी रेडी हो जाएगी। अब मैं ऐड कर रही हूँ पोटैटोस जो हमने रेडी किए थे, उनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है हमको, हार्डली 1 या 2 मिनट के लिए करेंगे ताकि इसकी क्रिस्पीनेस ख़राब ना हो, अच्छे से ये क्रिस्प ही रहें। तो इसके लिए हम 1-2 मिनट के लिए करेंगे ताकि 1-2 मिनट में अच्छे से सारा जो मसाला है वो आलूओं पे आ जाए एंड परफेक्ट चिली पोटैटो हमारे रेडी हो जाएंगे। देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हमारे परफेक्ट क्रिस्पी चिली पोटैटो रेडी हैं। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, साथ में वो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।